दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा Redmi का फ़ोन में नेटवर्क सेटिंग को आप कैसे रिसेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास है Redmi Note 7, तो आपके पास Redmi का कौन सा भी फ़ोन हो तो आप रिसेट कर सकते हो। अगर आपको नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहा है, आप नेट ऑन करके रख रहे हो लेकिन आपका डाटा चालू नहीं हो रहा है, या वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो नेटवर्क रिसेट करने से आपको सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आ जाना है सेटिंग्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स का ऑप्शन, यहाँ पे आना है। आने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ, तो यहाँ पे तीनों टिक कर देगा। अगर आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है या दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, या मोबाइल नेटवर्क रिलेटेड जितना भी इश्यूज है सब ठीक हो जाएगा। आपको ये रिसेट करने से आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ब्लूटूथ का इश्यूज भी डिलीट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को करना है यहाँ पे रिसेट सेटिंग्स, तो यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे करना है ओके। करने के बाद में ये रिसेट होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो रिसेट सेटिंग्स हैव बीन सेव, तो ये रिसेट हो गया, अभी फ्रेश मोड में आ गया। तो आप लोग ऑफिस से अभी ट्राई कर सकते हो या नेट ऑन करके देख सकते हो, जिससे कि आपका नेट भी चलने लगेगा और वाईफाई भी काम करने लगेगा और ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।